इसके बाद आपने ये अमेजोन, अब इस प्रोडक्ट में अमेजोन बैठा होगा तो आपको ये ऑरेंज कलर की लाइनिंग्स आ जाएंगी, ग्राफ दिखा देगा कि अमेजोन है। अब इसमें टोटल ही अमेजोन भरा, हमारे 3 महीने के हिसाब से देखें तो टोटल अमेजोन ही भरा, ठीक है अमेजोन होगा तो इस तरह पता चल जाएगा। न्यू का मतलब न्यू की कंडीशन में लोग बेच रहे होते हैं, तो हम तो जाते ही न्यू की कंडीशन में। इसके बाद आता है न्यू थर्ड पार्टी एफपीए। न्यू थर्ड पार्टी एफपीए मतलब हम जैसे सेलर इस प्रोडक्ट को कितनी प्राइस पर रख के बेच रहे हैं वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बता रहे 20.99 की बिक्री है, यहाँ पे 24.99 की बिक्री थी, फिर यहाँ पे 17.47 की भी बिकी है। इस ग्राफ में हमें ये देखना है कि करंट प्राइस क्या रही है और लोवेस्ट प्राइस क्या रही है। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन सीखेंगे तो उस वक्त हम इस चीज को नोटिस करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट करंट प्राइस पे कितना प्रॉफिट दे रही है और लो प्राइस पे कितना प्रॉफिट दे रही है। अगर लो प्राइस पे में इसको बहुत आसानी होगी कि हमने देखना सीख लिया था, हमने अपना आपकी अपनी आदत बना ली है कि करंट पे भी प्रॉफिट है और लो पे भी प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं। मतलब अगर वही वाली बात, अगर $25 की प्राइस है और यहाँ पे $10 पे लोवेस्ट गई तो आपको पता है कि इतना तो प्रॉफिट होगा नहीं, कि $15 का मार्जिन तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको प्रॉफिट। वो अगर $200-$300 की प्रोडक्ट हो तो उसमें चलो समझ आती है। एफबीएम है, एफबीएम का डेटा हमें देखने की जरूरत नहीं। बहरहाल हमें आगे और कोई चीजें नहीं देखने, हमने पहली चीज देखी सेल्स रैंक, बाय बॉक्स, अमेज़न, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, दैट्स इट। कीपा बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट बिजनेस मॉडल भी यूज करते हैं, प्राइवेट लेबी भी यूज कर रहा होता है, एफबीएम यूज कर रहा। हमारा जो मेन काम था हमें हमें इतना सीखना, ठीक है। हमने ग्राफ सीख लिया, ग्राफ किस तरह का देखा जाता है, चार्ट जिस तरह देखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं डेटा के अंदर, ठीक है। डेटा के अंदर हम आएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स में। डेटा के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट डिटेल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, प्रोडक्ट डिटेल्स में हम आते हैं। और प्रोडक्ट डिटेल्स में हम क्या देखते हैं, जो चीज़ें आपने ग्राफ वाइज देखी, चार्ट वाइज देखी, वही चीज़ें आपको यहाँ नंबरिंग्स में दिखेंगी, ठीक, वैल्यूज में दिखेंगी। सेल्स रैंक करंट क्या है, 1122 और 90 डेज। हम देखेंगे करंट और 90 डेज, क्योंकि हम 3 महीने का डेटा चेक करते हैं। करंट और 90 डेज पर नज़र रखनी है, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए। तो क्या है, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं, तो हम जा सकते हैं। एक चीज आपने देख ली। इसके बाद आता है बाय बॉक्स की करंट प्राइस और 90 डेज की एवरेज प्राइस। करंट प्राइस है 1657, एवरेज प्राइस है 1687 पिछले दिनों, तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। वही वाली बात, अगर यह $16 की करंट प्राइस है और यहाँ पे अगर $10 होती तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गई होगी, तो क्या ये हमें प्रॉफिट देगी नहीं देगी, आगे बहुत ज्यादा फर्क आ गया ना, तो मुश्किल होगा कि इतना प्रॉफिट हमें मिले। कैलकुलेशन जब सीखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा। वैसे ही अंदाजा हो रहा है कि यार अब देखो ना, $16 में से $6 सीधे सीधे हटा दो, $5 हटा दो, कितना परसेंट फर्क हो गया, 30-40% हो गया। 30-40% एफबीए होलसेल में इतनी ज्यादा प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट मिलना आसान नहीं है। शादी में नाते मिल जाती तो मिल जाती, तो इतना हमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ही नहीं है। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि यार ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट नहीं दे सकता, मतलब करंट पे तो दे रही है, लेकिन हम एफबीए होलसेल में हमेशा ये सीखते हैं लोएस्ट पर भी हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अमेजोन 90 डेज ओओएस, ओओएस का मतलब आउट ऑफ स्टॉक की परसेंटेज। हमारे क्राइटेरिया में ये चीज रह गई थी, ठीक है, अमेजोन 90 दिन के अंदर कितना परसेंट आउट ऑफ स्टॉक है वो देख, तो वो आज हम देख रहे हैं। अब इसको देखना, ये यहाँ पे परसेंटेज कितनी है, 0%, मतलब अमेजोन 0% इसमें आउट ऑफ स्टॉक गया है, मतलब अमेजोन इसमें गायब हुआ ही नहीं है, इसमें 100% बैठा हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ क्या चाहिए, हम कहते हैं यहाँ पे 90 डेज के अंदर 90% से नीचे नहीं होना आउट ऑफ स्टॉक, 90% से नीचे नहीं होना। 90 से लेके 100 तक है अच्छी बात है, 90 से नीचे 89 भी होगा आप इस प्रोडक्ट को छोड़ दो। 90 दिनों के अंदर अमेजोन इस प्रोडक्ट में कितना परसेंट जो है गायब हो गया, मतलब स्टॉक खत्म हो गया उसका, कितना परसेंट, यहाँ पे 0%, मतलब अमेजोन खत्म हुआ ही नहीं है, अमेजोन बैठा हुआ है मुसलसल। तो अगर तो यहाँ पे 50% होता तो भाई 50% आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, 50% इन स्टॉक रहा है। हम कहते हैं कि 90% तक आउट ऑफ स्टॉक दिखना चाहिए, 90% से 100% होगा तो अच्छी बात है, 90% से नीचे नहीं होना, 90% तक हम जा सकते हैं, 90% से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे आता है न्यू ऑफर काउंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ, न्यू ऑफर काउंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ सेलर्स इस प्रोडक्ट में कितने हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 11, हम क्या कहते हैं कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 25 होने चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपकी, यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट की पिक्चर है, टाइटल है, सब चीजें देख सकते हो। आपने यहाँ देखनी है रेटिंग कितनी आ रही है, 4.8, रिव्यूज कितने हैं। इसके बाद आप यहाँ बहुत सारी चीजें देखते हो, बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है, अमेजोन के पास है, सेलर अमेजोन है,
FBA के पास है, हाँ है। लोएस्ट सेलर कौन बैठा हुआ है? वो FBA बैठा हुआ है। FBA पैकेट पैक फीस और रेफरल फीस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करता है। हमें क्या देखना जरूरी है, हमें देखना जरूरी है यहाँ पे पैकेज वेट जो हमारा रह गया था क्राइटेरिया में। पैकेज वेट ग्राम्स में आपको बता रहा है 839 ग्राम। आपका क्राइटेरिया क्या है? 2000 ग्राम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, यहाँ पे आपने इतनी चीजें देखी। सेल्स रैंक करंट और 90 डेज की एवरेज क्राइटेरिया से अबव नहीं होना चाहिए। वायबॉस करंट और 90 डेज पे नजर रखनी है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक की परसेंटेज 90% से नीचे नहीं होनी चाहिए। न्यू ऑफर काउंट करंट कितने होने चाहिए, ये सिर्फ करंट देखेंगे। हाजिर में भी इस वक्त कितने सारे बैठे हैं, 11 बैठे हैं, 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आप रेटिंग देखोगे, रिव्यूज देखोगे और यहाँ पे पैकेज वेट देखोगे। दैट्स इट, क्लियर हो गया।